रामचरित्र दर्शन करिए। चक्रवर्ती जी महाराज क्या सोचते हैं, मेरे राम मेरी एक बात न माने। कौन बन जाने वाली, एक बात न माने राम जी। जब अब तक सब बात मानते रहे तो एक न मानेंगे तो कौन सा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये बड़ा कठिन है। और इसको प्रयास करके जीना चाहिए। हमारा श्रेष्ठ हमारे प्रति विश्वास में रहे कि हम जो कहेंगे वो अवश्य मानेंगे। बड़ी उलझन होती है जब कोई एक बात चूकती है तो बहुत उलझन होती है। हम ये तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी बात माने, लेकिन हम ये कदापि नहीं चिंतन करते हम भी तो किसी की बात माने। ऐसा कैसे संभव है, हम भी किसी की माने तो कोई हमारी भी मानेगा, जब हम किसी की नहीं मानेंगे तो कोई हमारी भी नहीं मानेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए प्रयास हो कि हम भी माने। तो बड़ी अच्छी बात, गुरुकुल से पढ़कर भैया लोगों के साथ प्रभु आ गए श्री धाम अयोध्या जी। कथा आगे बढ़ी और पहुंच गई सिद्धाश्रम बक्सर धाम। बाबा विश्वामित्र जी का पावन आश्रम है, नाम है सिद्धाश्रम। उसके अगल बगल जो वन है उसका नाम है ताटक वन। सिद्धाश्रम में बैठे एक दिन बाबा ने ध्यान किया और ध्यान में बाबा ने देखा कि प्रभु अवतरे ने अयोध्या जी में अवतार ले लिया। नवीन भाव है, भगवान ने अयोध्या जी में अवतार ले लिया है। हम मुनि हैं, चिंतन करते हैं। ए हो मिस देखम पद कर बिनती आनो दो भा। एहु मिस, मिस माने बहाने से, किसमिस यज्ञ के बहाने से। भगवान यज्ञ से ही प्रत्यक्ष प्रगटे हैं, जिस निमित्त से जिस प्रकार से जिसके द्वारा वो प्रत्यक्ष हुए हैं उसकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। देखिए, आपसे कोई कुछ मांगने आए तो ये ना समझिएगा उसके पास है नहीं इसलिए आया है। कोई मांगने आए
वो ये कह रहा है कि तेरे को उसने देने के लिए दिया है, इसलिए मैं आ गया हूं, मेरे को दो। कई लोग अभ्यास कर लिए नहीं है। एक कथा आती है, एक भिखारी किसी श्रीमान से कुछ मांग रहा था, दुकान पर बैठे थे। ए बाबा कुछ खाने को दे दे। नहीं है। जाड़ा बहुत है, कपड़ा ही दे दे। नहीं है। अरे जो पहने वही दे दे। कह रहा हूं नहीं है। तो भिखारी ने बड़ी सुंदर बात कही, तो गद्दी पर क्यों बैठा है, नीचे मेरे साथ चल, तेरा पेट तो मैं ही पाल दूंगा। जब तेरे पास कुछ है ये नहीं है तो यहां काहे बैठा है। आ नहीं का अभ्यास ना हो, देने का अभ्यास।